दोस्तों, यदि आपका भी खाता भारतीय स्टेट बैंक में है यानी SBI में है और आप अपने अकाउंट के स्टेटमेंट अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आप बड़ी आसानी से योनो SBI के जरिए पिछले 4 साल का डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में योनो SBI एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर MPIN डालकर लॉग इन कर लेंगे। वैसे तो योनो SBI के होम पेज पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अपने अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो इसके लिए यहाँ पहले नंबर पे एक ऑप्शन दिया है अकाउंट्स, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे मेरे 2 सेविंग अकाउंट हैं, तो इन दोनों ही अकाउंट में से जिस भी अकाउंट का मुझे स्टेटमेंट डाउनलोड करना है उसे हमें यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है। और नीचे में 3 ऑप्शन है, पहला है अकाउंट, दूसरा ट्रांजेक्शन, उसके बाद स्पेंड एनालिसिस। तो हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। हमारे अकाउंट में वर्तमान में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वह यहाँ नीचे में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यदि इन्हीं ट्रांजेक्शन को हमें डाउनलोड करना है तो यहाँ पे एक डाउन एरो है, इस पर हम इस तरीके से क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो हमारे अकाउंट का ट्रांजेक्शन डिटेल दिया है वो सभी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड में दिया है मेल बॉक्स, यदि हमें अपने अकाउंट का स्टेटमेंट मेल ID पे चाहिए हमें इस पर इस तरीके से क्लिक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया मेल हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल ID, यानी हमारे अकाउंट में जो रजिस्टर ईमेल ID है उस पर मेल के थ्रू हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट सेंड कर दिया गया है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है, यहाँ नीचे में जितने भी ट्रांजेक्शन हैं केवल यही ट्रांजेक्शन हमारे मेल ID पे सेंड किए गए हैं और हमने यहाँ पे डाउनलोडने के लिए लगाया है वो भी प्रोसेसिंग में है, और जब ये डाउनलोड भी होगा तो केवल यही होगा, ठीक है। लेकिन हम चाहें तो अपने हिसाब से अपने अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर में देखिए कीप जैसा बना हुआ है, इस पर हमें इस तरीके से क्लिक करना है। तो यहाँ पर फिल्टर करने का ऑप्शन आ गया है और नीचे लिखा है लास्ट 10 ट्रांजेक्शंस। यदि हमें अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन डाउनलोड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर इस तरीके से क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन खुल गए हैं, पहला है लास्ट 10 ट्रांजेक्शंस, उसके बाद है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, या फिर हम चाहें तो डेट वाइज अपने अकाउंट के स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए बाय डेट पे हमें इस तरीके से क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ दिया है फ्रॉम और इस साइड में दिया है टू, और नीचे में यदि आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, देखिए नीचे में क्या लिखा है, द ड्यूरेशन ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट कैन बी अप टू 6 मंथ और 184 दिन, यानी यहाँ से आप अपने अकाउंट के स्टेटमेंट एक बार में 6 महीने का या फिर 184 दिन का डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम जूम आउट कर देते हैं, तो यहाँ दिया है फ्रॉम, फ्रॉम में हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ दिया है ईयर, यदि हम ईयर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2021 से लेकर 2024 तक अपने अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2021 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आज 25 जुलाई है तो मैं 2021 25 जुलाई कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ओके, फ्रॉम में कर दिया हमने, अब डालेंगे टू में 2021 और 2022, तो 2022 कर देते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ करेंगे जनवरी, क्योंकि 2021 जुलाई से लेकर 25 जनवरी 2022 तक 6 महीना होता है, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं जनवरी और डेट डालते हैं 25, उसके बाद ओके कर देंगे। तो 25 जुलाई 2021 से लेकर 25 जनवरी 2022 तक के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सभी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब यदि हम चाहें तो इन सभी ट्रांजेक्शन को अपने मेल आईडी पा सकते हैं, या फिर हम चाहें तो यहीं से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए मेल बॉक्स को भी हम टिक कर देते हैं। देखिए जैसे हमने मेल बॉक्स को क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा गया मेल हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी, यानी हमारे अकाउंट में रजिस्टर ईमेल आईडी पे हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट सेंड कर दिया गया है। चलिए ओके क्लिक करते हैं यहाँ से। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक कर देते हैं और अपने मेल बॉक्स को ओपन करते हैं, और हमारे अकाउंट में जो ईमेल आईडी है उस मेल आईडी हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट आ चुका है, एक पहला स्टेटमेंट है जिसे मैंने कुछ देर पहले डाउनलोड किया था और यह दूसरा वाला, तो इसे हम इस तरीके से ओपन करेंगे। उसके बाद पेज को ऊपर खिसकाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ये है जिसका रिक्वेस्ट हमने कुछ देर पहले सेंड किया था, और दूसरा वाला ये है। तो इसे हम यहाँ से इस तरीके से डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड हो गया है। अब पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड हमें क्या डालना है, अपने डेट ऑफ बर्थ का डे और मंथ, ईयर नहीं डालना है, और उसके बाद लगाना है एट द रेट। लगाने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसका लास्ट का 4 अंक डालना है, ठीक है। इस तरीके से पासवर्ड डालने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, बस इतना ही करना है। और आप देख सकते हैं हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पे आ चुका है, और इसमें केवल अकाउंट का स्टेटमेंट ही नहीं दिया है, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। क्या क्या दिया है मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। सबसे फर्स्ट में दिया है यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम,
उसके बाद है एड्रेस, ये आज का डेट है, यहाँ दिया है अकाउंट नंबर, ये है ब्रांच, ड्राइंग पावर, उसके बाद है CIF नंबर, IFSC कोड, MICR कोड, और जिस डेट से आपने अकाउंट के स्टेटमेंट डाउनलोड किया है उस डेट में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस था वो यहाँ पे दिखाई देगा, और ये अकाउंट स्टेटमेंट कब से कब तक है वो पीरियड यहाँ पर दिखाई देगा, और नीचे में अकाउंट स्टेटमेंट का पूरा डिटेल दिया हुआ है, देख सकते हैं कब कितना आपने पैसा निकाला, कब कितना पैसा डाला, ये सब कुछ दिया हुआ है, देख सकते हैं कई पेज में है। अच्छा, ये तो हमने अभी 6 महीने का डाउनलोड किया है, 6-6 महीना करके हम पूरे 4 साल का निकाल सकते हैं, और 4 साल का निकालने के लिए हमें टोटल 8 बार डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने अकाउंट के स्टेटमेंट पूरे 4 साल का डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।